अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप ऑटो कैट उर्दू में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं एक प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं, यानी कि इसके अंदर मैं आपका कोई नया लेसन या कोई नई चीज आपको बताने नहीं जा रहा। जस्ट मैं आपको जो मैंने इससे पहले पिछली कमांड की थी 3D फेज की या टैप सर्फेस की या रिवॉल्व सर्फेस की, उसके अंदर थोड़ा बहुत हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल सा एक काम करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब मेरा यह है, इस लेसन का मकसद ये है, टारगेट ये है, आपको थिंकिंग पैदा करनी है कि 3D के अंदर आपने कैसे काम करना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेसन। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फाइल ओपन है। सबसे पहले अपने यूनिट सेटअप्स कर लें, UN एंटर करें अपने कीबोर्ड से, यूनिट्स के लिए इंजीनियरिंग, फिर सॉरी ओके, देन D एंटर कर दें डायमेंशन के लिए, मॉडिफाइड इंजीनियरिंग और फिर अरेंज ओके और क्लोज कर डालें। अब सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मैं इसको 3D पे ले जाता हूं। देखिए आप टॉप व्यू पे हैं, एस्ट्रोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करें तो आप इधर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप अपने पास एक शेप बना डालें एट द रेट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था, 50-50 फिट की आप एक अपने पास एक रेक्टेंगल बना दें। क्योंकि पिछले लेसन के अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर बताऊंगा अगर फैसल मस्जिद का वही डिजाइन विद इन सेकंड्स आप कैसे बनाते हो। तो देखें इसके लिए आपको करना क्या है, आपने कुछ पॉइंट्स देते हैं यहाँ पे और कुछ पॉइंट आप यहाँ पे दे, यानी कि ये प्लस बना दें आप इसको, और अपने डिजाइन को सोचते हुए x0 y0 यहाँ पर मैं 40 फिट्स की वैल्यू दूंगा और यहाँ पर आ जाए अगेन एट द रेट x0 y0, इसको मैं 30 फिट्स की वैल्यू दे देता हूँ और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से उठा के सीधा इस जानब को। तो देखिए मेरे पास ये मेरी शेप आ चुकी है। अब 3F एंटर करें 3D फेस के लिए, या आप ड्रॉ के इधर चले जाएं, सरफेस पे चले जाएं और ये आपके पास ऑप्शन थी 3D सरफेस। तो 3F मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने इसको ये पॉइंट्स दे दिए स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर ये मेरा पॉइंट्स मुझसे कुछ गलत हो चुका है क्योंकि मैंने इसको नीचे की तरफ आना था। 3F 1 2 3 और ये 4 आपके पास आ गया। अब देखें जब आपने ये लगा दिया, अब इसके बाद आप टोटली काम जो है वो इसको मिरर से भी कर सकते हो और एरे से भी कर सकते हो। चले मिरर को यूज करते हैं। MI मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट मैंने इसको ये सामने वाला दे दिया। ठीक है, देखिए इस तरफ आ गया, फिर आप इसको मिरर कर सकते हैं यहां से, आपके पास एक पॉइंट ये रहा और आपके पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहा। मैं मिरर दूंगा, MI मिरर देता हूँ इसे, मेरा एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट उधर सामने क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये शेप आपके पास, फिर आप इसे मिरर कर देते हैं, आपका एक पॉइंट यहाँ पे आप इसको बनाएं और दूसरा पॉइंट आप इसके इस तरफ बना दें, तो एंटर कर दें। अब देखें आपके पास ये शेप्स बनी आ गई है, परफेक्ट। देखा, अच्छा इससे और अगर आप फास्ट काम करना चाह रहे हैं तो आप एक साइड बनाएं, AR एरे में चले जाएं, पोलर और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएं। तो देखें एरे के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हो, पोलर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने दे दिया और सेंटर पॉइंट जो है आपका वो आप इसको टॉप दे देंगे और ओके करते हैं। जैसे ही आपने इसको ओके किया तो देखें आपके पास अगेन ये परफेक्ट शेप बनी हुई आ चुकी है। तो इस तरह की ऑप्शंस मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो मैं मेन चीज आपको बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो ये है, अगर आप फैसल मस्जिद को देखें तो यहाँ पे इसके एक डिजाइन बना हुआ है, वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो 50 फिट है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 30 फिट है, ये शेप आप बाहर की तरफ लगा रहे हैं, बाहर आके लगा दें कहीं भी। मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा इस शेप को, मैं इस शेप को इसके साथ बनाना चाहूंगा। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एफेट कर दिया, मैं इसको 50 फिट आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं मिडल से ऊपर की जानब 30 फिट पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और मैंने इसको क्लोज कर दिया, अगेन मैंने इसको यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। ठीक है, यानी कि 30 फिट ऊपर चला गया है, इधर भी है, आप वैल्यू कन्फर्म कर सकते हैं, 50 फिट की वैल्यू है और यहाँ पे आप देखें आपके पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास 30 फिट की आ जाती है। अब करना क्या है, आप मिडिल से एक लाइन नीचे की तरफ लेकर आ जाए, मैं नीचे की तरफ लेकर आ गया, आप उसे ऑफसेट दे देंगे, दो दो फिट्स का दे दें,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये दो दो फिट्स का की तरफ आप इसे ऑफसेट दे दें और ये एरिया ट्रिम कर दें इस तरफ वाला। अब यही शेप मुझको दूसरी तरफ भी लेके जानी है, तो तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट, यानी कि लाइनों को सिलेक्ट कर दें जो जो लाइनें आपको आगे लेकर जानी है, और राइट क्लिक कर दें। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, आपने इसको मिरर कर दिया दूसरी जानब। अब आपके पास ये हो चुका है। मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D पे जाएंगे, इन चीजों को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा आगे यही भी क्लिक कर दें और 90 पे सेंटर कर दें। अब मेरे पास ये देखिए शेप मेरी बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ गई है। यहाँ से ये रहा और इस जगह के लिए कॉर्नर बना हुआ आ गया। अब आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है, REC। ये जो रेक्टेंगल है, एक फिट एक्स की वैल्यू देता हूँ, एक फिट सी वाई की वैल्यू दे देता हूँ इसे, और यहाँ पर मैं एक पॉली लाइन ड्रॉ करूंगा। वन टू थ्री, ऑफसेट में से दे देता हूँ टू का आगे की जानब। ये मैंने इसको टू का आगे जानब ऑफसेट दिया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, ड्रॉ के अंदर जाके बाउंड्री की ऑप्शन लगानी है, यानी कि BO। इंटर करें कीबोर्ड से और क्लिक करके एंटर करते हैं। अब इसे कॉपी करेंगे किस शेप को, ये जो अंदर वाला है एक क्लिक करें। क्लिक किया, देखें ये ऊपर वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो चुकी है, इसको आप पिक करें इस पॉइंट से। पिक करने के बाद आपके पास जिधर जिधर ये पॉइंट्स बनते हैं वहां वहां आप इसे क्लिक करते जाएं एंड पे। जैसे जैसे आप इसे क्लिक करते जाएंगे, देखिए ये आप इसे क्लिक करते जाएंगे स्टेप्स को, ये मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए हैं। अब मेरे पास ये शेप कुछ ऐसे बनी आ चुकी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ड्रॉ के अंदर जाओगे, सरफेस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपका ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन बताई थी टैब सरफेस। अब देखें ये पॉइंट है, इसके साथ जाए तो चला गया, इसको इसके साथ लेके जाएं, इसको इसके साथ लेके जाएं, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक इधर कर दें। स्पेस लगाने से ऑप्शन रिपीट होगी, स्पेस लगाया, एक क्लिक और दूसरा क्लिक, अगेन इसी ऑप्शन को रिपीट करना है, स्पेस लगाए, वन टू स्पेस वन टू स्पेस वन टू स्पेस वन टू स्पेस वन टू, तो स्पेस के साथ ये क्लिक्स करते जाएं आप। तो देखिए ये मैंने इसको क्लिक्स कर दी यहाँ पे। अब आप इसको कॉपी कर लें इस शेप्स को, ये जो आपने बनाई है तमाम पॉइंट्स जो आपने बनाए हैं। कॉपी करने के बाद एक कॉर्नर उठाएंगे आप अपने पास, ये मैंने कॉर्नर उठाया, और उठाने के बाद जस्ट जस्ट आपको इधर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखें ये अपने पास इधर एडजस्टमेंट हो चुका है। अब ये मैं आपको यहाँ पे सॉरी मैं आपको ये बताता चलूं, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स अभी हम परफेक्ट शेप बनाने के काबिल नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन 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 जितना हमने किया है उसके अंदर ये बहुत बड़ा काम है, यानी कि जितनी हमने अभी तक 3D सीखी है 2 से 3 लेसन्स के अंदर, उसके अंदर ये जो हमने काम किया है ये हमने बहुत ही बड़ा काम किया है डेफिनेटली। अब इसके बाद इसमें क्या है, आपके पास इसके मीनार्स वगैरह होते हैं, उनको आप ट्राई करें, उसके लिए आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रिवॉल्व सर्फेस की यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप 3D फेसेस को भी यूज करके आप मीनार्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात इस चीज की है, या ये चीज आपने कंफर्म करनी है, आप बनाने की कोशिश करोगे, अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बना लेंगे, अगर आप उसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेट से आप कह देंगे बहुत मुश्किल है, अभी हम किधर इधर तक पहुंचे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, समझ नहीं आ रही है, सर ने बताया नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो ये बातें नहीं है, क्योंकि आप ऑटोकैड उसी वक्त सीखोगे जब आप बार 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 खुद प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन, इस लेसन के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके अंदर आप मीनार्स बनाएं, इसके स्टेयर्स बनाएं, और कुछ हद तक जितना आप उसे बना सकते हैं, जितना आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप इसको करने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हम मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन मजीद मालूम और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स
यहाँ पे मैं आपको ये भी अनाउंसमेंट करता चलूँ, जिन लोगों के पास नेट नहीं है या जो हमारी इस कोर्स की फुल डीवीडीज हासिल करना चाहते हैं, या हमने जो कलेक्शंस बनाई है मैप कलेक्शन, जिसके अंदर सेक्शन, एलिवेशन, आपके पास इंटीरियर, जितना भी मटेरियल यूज होता है उसके अंदर हमने बनाया हुआ है, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप किसी भी वक्त ऑनलाइन हमसे हेल्प लेना चाहें तो आप हमें अपने स्काइप पे ऐड कर सकते हैं, हमारा स्काइप का एड्रेस है xpacademy, या हमें कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पे 0343-901-7779 पे। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।